देखते हैं कौन सा वीडियो बनाते हैं। हे गाइस, आई एम साइफेडिक्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो सारे, आई होप आप हमेशा की तरह मस्ती होगी। दोस्तों आज के नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस तरह का फोटो बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना होगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलता रहे। ओके तो चलिए अपन आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर दोस्तों इस वीडियो में जो भी बैकग्राउंड पेन यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। हमेशा की तरह आप उस वीडियो को देखने के बाद वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके बाद अपने फोटो को एडिटिंग कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ से चलना आपको प्लस आइकन के अंदर और यहाँ पर आपको एक नॉर्मल फोटो अपना जो है वो लेकर के आ जाना है। कुछ इस तरह का फोटो मैं यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ, आपको भी कुछ अपना फ़ोटो लेकर के आ जाना जो नॉर्मल फ़ोटो होगा या एडिट किया भी होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ से चलना है ड्रॉ आइकन के अंदर। तो मैं ड्रॉ आइकन के अंदर आ चुका हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको कलर के ऑप्शन पर जाना है, यहाँ से आपको वाइट कलर चूज़ कर लेना है। ओके उसके बाद आपको यहाँ से राइट से ऊपर से आपको थर्ड ऑप्शन दिखेगा शेप का, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से स्क्वायर साइज को लेते हुए इसके साइज को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है आपको। ओके और राइट पर क्लिक कर देना है। ओके प्रेस करने के बाद आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है, तो मैं कर लेता हूँ। तो ये मैं स्क्वायर ले लिया दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से रखने के बाद आपको कुछ इस तरीके का एक स्क्वायर और लेना है जो यहाँ पर आपको लगाना है। ओके तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा लिया हूँ दोस्तों। आप भी यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, आपको चलना है इफेक्ट के ऑप्शन के अंदर। इफेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपको सिंपली आपको आना है इफेक्ट्स के ऑप्शन के अंदर और इसे इस तरीके से स्क्रॉल करना है और आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर एक फ़िल्टर आपको दिखेगा ब्लैक एंड वाइट का, जिसे आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का बी एंड डब्ल्यू का आपको आइकन दिखेगा, ये वाला भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो बी एंड डब्ल्यू हाई कॉन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। ओके इसे प्रेस करने के बाद आपको सिंपली इरेजर के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको शेप का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और एक बार आपको स्क्रीन पर टाइप करना है और इसे बैक कर देना है। ओके आपको फ़ोटो जूम करना है और जहाँ जहाँ आपको कलर चाहिए वहाँ पर आपको सिंपली इसको इरेज करना है। आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ ड्रॉ करना होगा और इस डब्बे के अंदर जो स्क्वायर साइज का है इसे आपको इस तरीके से रिमूव कर देना है। ओके ये एक हो गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ से मैं दूसरा भी कर लेता हूँ। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का डॉप डॉप वीडियो आए दिन इस चैनल पर अपलोड होता रहता है। ओके तो जैसा कि यहाँ पर ये हो चुका है, उसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है और ऊपर मर्ज का ऑप्शन दिखेगा ये वाला जो आपको दिखता होगा स्क्रीन पर, उसे आपको प्रेस कर लेना है। ओके उसके बाद आपको यहाँ से नीचे से सबसे लास्ट ऑप्शन में जाना है कलर्स के ऑप्शन में। कलर्स में जाने के बाद आपको लास्ट में आना है, आपको एक सैचुरेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और ऊपर एक बार और प्रेस करना है और इस सैचुरेशन के ऑप्शन को फुल कर देना है। ओके उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना है आपको और आपको यहाँ से चलना है ऐड फोटो के अंदर। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको ये वाला पीएनजी आपको ऐड कर लेना है दोस्तों, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। ओके उसके बाद आपको यहाँ से इसे ब्लेंड के ऑप्शन में जाना है, इसे स्क्रीन कर लेना। ओके और आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसके कॉर्नर पर इस तरीके से आपको लगा देना है। ओके उसके बाद आपको इस पर क्राइप करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है। ओके डुप्लीकेट करने के बाद आपको यहाँ पर इस कोने में भी इस तरीके से लगा देना है। ओके उसके बाद आपको फिर से डुप्लीकेट करना है और आपको इस कोने में भी लगा देना है। ये तो हो गया दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद आपको इस फोटो को सेव कर लेना है आपके गैलरी में। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ड्रॉ आइकन पर चलना है। ड्रॉ आइकन में जाने के बाद आपको यहाँ से थ्री डॉट में जाना है और सेव इमेज कर लेना है। ओके ये फोटो आपका HD क्वालिटी में आपके गैलरी में सेव हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।